हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे पॉपुलर गुजराती स्ट्रीट फूड मेथी गोटा। ये एक हेल्दी स्ट्रीट स्नैक्स है जिसे कि बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और गुजरात में तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप भी एक बार इसे टेस्ट करेंगे तो इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में एक कप हम डालेंगे बेसन। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच डालेंगे कुटी हुई धनिया, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच शक्कर। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए, इस तरह का बैटर पहले हमें बना लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ मेथी पत्ता। तो देखिए, इस तरह से मैंने पहले से इसको धो कर के और काट लिया था। इन सबको हम डाल देंगे, ये करीब 100 ग्राम के आसपास है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यदि तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, अदरवाइज इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर के साथ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा और इस मीठे सोडे के ऊपर ही आधा चम्मच हम तेल को गरम करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और तुरंत ही इन सबको मिक्स कर देंगे। एक बार मीठा सोडा ऐड कर दें तो फिर इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इसे तुरंत ही फ्राई कर लेना चाहिए, नहीं तो ये फैलने लगेगा। तो तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े बना करके तेल के अंदर हम डालते जाएंगे। एक बार में उतना ही डालें जितने कि तेल के अंदर आ जाए अच्छी तरह से। तो बस एक साइड से जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसको हम पलट देंगे। और इसी तरह से पलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा मेथी गोटा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इसे अब हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल करके रखते जाएंगे। ले लीजिए, मेथी गोटा रेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हरी मिर्च लेंगे और हरी मिर्च के अंदर एक चीरा लगा देंगे और इसको तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। चीरा ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये तेल के अंदर फटने लगेगा। तो इस तरह से हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे हम और इस गोटे के ऊपर फैला देंगे। हरी मिर्च के बिना मेथी गोटा का टेस्ट नहीं आता है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है हरी मिर्च के साथ। तो आप हरी मिर्च के साथ ज़रूर इस मेथी गोटे को ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छे टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ।